नमस्कार दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आप देख सकते हैं। पूरा का पूरा घर रुपयों सोने चांदी से भरा मिला है। अर्पिता मुखर्जी के दूसरे ठिकाने से 28.90 करोड़ रुपए कैश, जबकि 5 किलो सोना बरामद हुआ है। पश्चिम बंगाल के कैबिनेट मंत्री पार्थ चटर्जी के करीबी अर्पिता मुखर्जी के कोलकाता के बेलघरिया स्थित फ्लैट एक बार फिर दोस्तों रेड की गई है। यहां पर दोस्तों भारी मात्रा में पैसा जब्त किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने अब तक इस रेड से दोस्तों आपको बता दें 28.90 करोड़ रुपए कैश बरामद कर लिया है, जिसकी गिनती करने के लिए जाँच एजेंसी को कई मशीनें मंगानी पड़ी हैं। कई मशीनें फेल हो गई, उसके बावजूद भी दोस्तों कई मशीनें और मंगाई गई हैं। इतना भारी कैश दोस्तों बरामद किया गया है, और आपको बता दें 5 किलो सोना बरामद हुआ है। अभी भी दोस्तों मशीन रुपए गिनने में लगी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त भीड़ यहां पर लगी हुई है। नोटों के बंडल भी आप देख सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इस रेड में ईडी को 5 किलो सोना, सिल्वर क्वाइन और प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी मिले। आपको बता दें कि हाल ही में 22 जुलाई को ईडी ने अर्पिता के एक ठिकाने से 21 करोड़ की बगड़ी बरामद की थी, जिसके अब दोनों को मिलाकर नकदी करीब 50 करोड़ बरामद कर लिया है, और साथ ही 5 किलो से ज्यादा सोना दस्तावेज भी बरामद किए हैं। लगातार पुलिस छानबीन कर रही है और यहां पर भारी पुलिस तैनात कर दी गई है। किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं नोटों के बंडल किस तरह दोस्तों पूरे के पूरे घर में बिखरे पड़े हैं। लगातार मशीनें इन्हें गिन रही है, और ये पूरा का पूरा पैसा अब RBI में जाने वाला है। वहीं पर अब पूछताछ होने वाली है। सभी को गिरफ्तार कर लिया है। आप सभी अलर्ट रहे, सुरक्षित रहे। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें यूपी के अंदर इतना सारा दोस्तों पैसा मिला है, वो भी जब्त किया गया है। लगातार दोस्तों ईडी छापेमारी कर रही है। आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय कमेंट में लिखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।